नागपुर शहर के वाड़ी शहर में अवैध पार्किंग समस्या को लेकर काफी ट्रैफिक जाम होने की शिकायतें आ रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए नागपुर शहर सीपी अमितेश कुमार द्वारा कार्यवाही मुहिम का आदेश जारी किया गया है, जिसमें अवैध तरीके से नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर कड़ी कार्यवाही की मुहिम की गई। इस कार्यवाही को उपायुक्त अनुराग जैन ने अंजाम दिया। सर्वप्रथम ट्रांसपोर्टरों को बुलाकर वाड़ी थाने में बैठक ली गई। वाड़ी तथा वड़धामना के ट्रांसपोर्टर बैठक में मौजूद रहे। बैठक में वाड़ी में होने वाले ट्रैफिक से समस्या तथा बाधाओं पर प्रकाश डाला गया। वाड़ी PI प्रदीप रायनवार द्वारा ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया गया है कि नो पार्किंग में वाहन न लगाए। इसके बाद वाड़ी पुलिस ने कार्यवाही जारी रखी। दो दिन से तकरीबन 30 वाहनों पर कड़क कार्यवाही की मुहिम की गई। 3 मई को 7 वाहनों पर कार्यवाही की गई, तो वहीं 4 मई को तकरीबन 10 वाहनों पर अवैध पार्किंग की कार्यवाही की गई। साथ ही 5 मई को 12 वाहनों पर नो पार्किंग की कार्यवाही की गई, जिसमें ट्रक, टाटा एस ट्रेलर तथा अन्य प्रकार के ट्रकों पर नो पार्किंग की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही मुहिम CP अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में उपायुक्त अनुराग जैन के नेतृत्व में की गई।